मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए 20 से 22 जनवरी तक आम लोगों के लिए भगवान राम का दर्शन बंद रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, पहले स्वरूप कैसा था, आज क्या है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर क्या होने वाला है। टारगेट यह है कि हर लोकसभा सीट से 5,000 लोग जबकि हर विधानसभा क्षेत्रों से 2,000 लोगों को यहां लाया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक नहीं है वहां का प्रतिनिधि 2,000 लोगों की व्यवस्था करेगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन पूजन कराया जाना है। बचे 1.50 करोड़ लोगों को आने वाले महीनों में दर्शन कराया जाएगा। बता दें कि पार्टी के सीनियर नेता ने बताया कि कोर कमेटी ने तय किया है कि मौजूदा सांसद विधायक ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करा ले जिन्हें अयोध्या लेकर आना है। 5,000 लोगों के जत्थों को 23 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए लेकर आना है। दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेनों के जरिए अयोध्या लाया जाएगा। लोगों को लाने, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था सांसद विधायक अपने फंड से करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि करीब 100 स्पेशल ट्रेन प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से चलाई जा रही है। ये ट्रेनें 22 जनवरी के बाद 100 दिन के अंतराल में चलेगी। यहाँ चुनावी एजेंडा यह है कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी लोगों को बताएंगे कि 500 साल में जो नहीं हो सका उसको भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। पॉलिटिकल माइलेज तब मिलेगा जब यही लोग अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लौटकर अयोध्या का डेवलपमेंट, राम मंदिर और उससे जुड़ी प्रयासों को लोगों तक पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि यह प्रयास यूपी ही नहीं देश के सभी हिंदू परिवार को राम नाम धागे में पिरोने की तैयारी है। सिलेक्ट लोगों की फाइनल लिस्ट 15 जनवरी तक पूरा करना है। लोगों से संपर्क करना शुरू भी हो चुका है। वहीं अयोध्या के प्रशासन और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस बाबत जानकारी भेज दी गई है क्योंकि इन श्रद्धालुओं के रहने और भोजन की व्यवस्था अयोध्या में ही होनी है।